शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक महासंघ के जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन को बहाल कराने को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मांग उठाई कि सांसद और विधायकों को पेंशन दी जा सकती है तो शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं। शिक्षक संघ आगरा अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हम सब लोग इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे, फिर प्रदेश में करेंगे और ये हमारा अभियान राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और जब तक जो है जब पुरानी पेंशन सबको मिल रही है, विधायक को, सांसदों को, तो हम कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही? या तो उनकी बंद करो या हमारी बहाल करो। जब तक जो है हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होगी। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, जनपद आगरा का जिला मंत्री हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षकों ने हमारी जो 15 वर्ष से निरंतर मांग चली आ रही है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब सांसदों और विधायकों को एक बार एक महीने और एक दिन शपथ ग्रहण करने के बाद जब उनको पुरानी पेंशन मिलती है तो शिक्षक जब 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष की अपनी सेवाएं विद्यालयों में दे रहे हैं, शिक्षकों को और न कर्मचारियों किसी को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। संगठन की पूरे देश में एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उसी व्यवस्था से जो सांसदों विधायकों को पेंशन मिल रही है उसी व्यवस्था से हमें पेंशन दी जाए। एनपीएस के नाम पर शिक्षकों के पैसे जो कटौती के रूप में लिए जा रहे बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षक आक्रोशित हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमारी एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए।